हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। 12th केमिस्ट्री आज लेसन 1 आज से स्टार्टिंग होती है। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो टॉपिक वाइज लेकर के चलूँगा और सारी की सारी क्लासेस अच्छी रहेंगी, आप लोग सिर्फ देखते रहना, ठीक है। देखो, ठोस अवस्था कल हमने इंट्रोडक्शन क्लास ऐसे ही डाली थी, ठीक है। तो रिस्पांस खैर अच्छा मिला है और ये भी क्लास हमें आशा है कि आप लोग रिस्पांस बढ़िया ही देंगे हमें। ठोस अवस्था देखो, सबसे पहले इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा तुमको पदार्थ के बारे में बता देता हूँ। पदार्थ के बारे में जानना जरूरी है। किसके बारे में बच्चा, पदार्थ के बारे में जानना जरूरी है। देखो पदार्थ होता क्या है, थोड़ा सा ऐसे जान लो, कॉमनली, ज्यादा कोई जरूरी नहीं है, जान लो। मतलब जिसका कोई द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। या पदार्थ कहेंगे या हम क्या कहेंगे, द्रव्य भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। द्रव्य भी कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्या बच्चा बताया हमने, जिसका कोई द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है क्या कहलाता है पदार्थ कहलाता है। ये हमने कल इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था तुमको। अच्छा, अब इसका आ जाता है वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण सबको पता है, पदार्थ हो चाहे द्रव्य हो, इनका वर्गीकरण है तुम्हारे पास में। हमने बताया था कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक तो होता है हमारे पास ठोस, दूसरा क्या होता है तुम्हारे पास द्रव, तीसरा क्या होता है गैस, फिर तुम्हारे पास में क्या होता है प्लाज्मा, फिर क्या होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो टाइप कितने हुए, एक और होता है फर्मियान, तुम्हारे पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्मियान भी होता है। तो पहला ठोस हुआ, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा तुम्हारे पास प्लाज्मा, पांचवा जो तुम्हारे पास में हुआ वो कौन हुआ, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक छठा है फर्मियान, तुम्हें मिल गया, उसका भी डिस्कस नहीं किया गया, कोई बात नहीं। तो इतने देख लो, ठोस के बारे में सब आप लोग जानते हो, हमने क्या बताया, पदार्थ का वर्गीकरण, द्रव्य मतलब कितने प्रकार का, पांच प्रकार का, वैसे मूल तो तुम्हारे पास तीन ही होते हैं, दो ये और बढ़ गई है तो कोई बात नहीं, जान लो क्या होती हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, हमने कौन कौन सी बताई, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कौन कौन सी, फिर से एक बार रिपीट करिए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कौन कौन सी हमने बताई, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमने पांच प्रकार की तुम्हें बताई, कौन पदार्थ का वर्गीकरण या द्रव्य का वर्गीकरण होता है, ठीक है। ये तो वर्गीकरण हो गया, इसकी डिफिनेशन तुम लोगों को सबको पता होगी। देखो ठोस क्या होता है, शॉर्टकट में समझ लो, जिसका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित। द्रव तुम्हारे पास में, आयतन क्या होगा, आयतन तो तुम्हारे पास में निश्चित होगा, लेकिन आकार तुम्हारे पास में क्या होगा, अनिश्चित होगा, आकार क्या होगा, अनिश्चित। अच्छा क्यों, जिस बॉक्स में, जिस बर्तन में, जिस पात्र में, जिस थरिया लुटिया बर्तन गिलास बाल्टी डिब्बा कटोरा जिसमें रखेंगे हम, उसका आकार ये क्या कर लेगा, द्रव ग्रहण कर लेगा, क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो आयतन तो निश्चित होगा, लेकिन अगर जो लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा, ठोस नहीं बन जाएगा। अगर आकार तुम्हारे पास, आकार की बात करें, अगर हम बाल्टी में द्रव को रखते हैं तो बाल्टी का शेप ग्रहण कर लेगा, अगर हम लोटे में रखते हैं तो लोटे का शेप ग्रहण कर लेगा, अगर जो हम फेंक दें इसे फर्श पे तो फर्श का शेप ग्रहण कर लेगा, ठीक है।
बात आती है गैस की, इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन तुम्हारे पास में, ये दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों अनिश्चित होते हैं तुम्हारे पास में। कौन? आकार और आयतन, दोनों अनिश्चित होते हैं। मतलब इसको चाहे जहां छोड़ दो फिर तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेंगे। तो ये तुम्हारे पास में थोड़ा सा क्या, देखो जो ठोस हो गया इसको अगर जो गर्म करेंगे क्या बन जाएगा, द्रव। द्रव को गर्म करेंगे क्या बन जाएगा, गैस। तब भी बच्चा नहीं मान रहा, कह रहा सर थोड़ा सा और गर्म करिए, सर थोड़ा सा और गर्म कर दीजिए अगर जो, तो तब क्या बन जाएगा, हमें कैसी स्थिति देखने को मिलेगी, प्लाज्मा की स्थिति देखने को मिलेगी। और ये प्लाज्मा की स्थिति जो तुम्हें देखने को मिलेगी, ये स्थिति हमको बादलों में देखने को मिलती है, जब बिजली कड़कती है गड़गड़ाहट के साथ, गड़गड़ गड़गड़, तब बहुत तेज तुम डर जाते हो, बहुत तेजी से बिजली जब चमकती है तो वहां पे ये प्लाज्मा की स्थिति हमको देखने को मिलती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ज्यादा जिक्र नहीं किया गया, ये अवस्था है पदार्थ की, ये देख लो, ये भौतिक अवस्थाएं तुम्हारे पास में है। क्या है? भौतिक अवस्थाएं तुम्हारे पास में है, इतना ध्यान रखना है। कौन सी अवस्थाएं? भौतिक अवस्थाएं। तो ये थोड़ा था तुम्हारे पास पदार्थ का वर्गीकरण, जिसमें ये भौतिक अवस्था थी। अब इस ठोस जो तुम्हारे पास में दिया है, कौन दिया है? ठोस। इस ठोस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? ठोस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देखो अच्छा, अब बात आती है ठोस की, क्योंकि लेसन ही हमारा ठोस अवस्था है, तो हम ठोस के बारे में ही डिस्कस करेंगे और किसी के बारे में डिस्कस नहीं करना। हमको द्रव नहीं डिस्कस करना, गैस डिस्कस नहीं करना। तुमने द्रव और जो गैस है ये तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है, ये तो कोई टेंशन नहीं है। देखो डिस्कस करते हैं आगे ठोस के बारे में, ठोस अवस्था है लेसन, तो ठोस ही के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो इधर हेडिंग साथ में लगाते रहना, आराम से मजा आता रहेगा, पढ़ते रहना अच्छे से। देखो अब बहुत मजा आएगा। सबसे पहले हेडिंग लगाओ ठोस अवस्था। ठोस अवस्था लेसन ही तुम्हारे पास में है, ठोस अवस्था इंग्लिश में जिसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था लेसन ही पहला हमारे पास में है, ठोस अवस्था। अब ठोस आ गया मतलब सारी चीज हमको ठोस होगी, सारी चीज ठोस मिलेगी हमको। जितनी भी चीज पढ़ेंगे यहाँ पे ठोस के बारे में पढ़ेंगे, द्रव से नहीं मतलब, गैस से नहीं मतलब। हमको सिर्फ और सिर्फ माइंड में याद रखना है कि भैया ठोस मजबूत चीज चाहिए हमको, मजबूत होनी चाहिए, ठोस चाहिए तो चाहिए, इतना याद रखना। ठोस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ठोस का मतलब होता क्या, इसके जो अणु होंगे, परमाणु होंगे, आयन होंगे, ये क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे, आपस में जुड़े होंगे, लेकिन किस बल के द्वारा? एक प्रबल आकर्षण बल लग रहा होगा, प्रबल अंतराणविक बल। कौन सा? प्रबल अंतरा या प्रबल अट्रैक्शन फोर्स कह सकते हैं, आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होंगे, अंतराणविक बल के द्वारा भी कह सकते हैं, प्रबल आकर्षण, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा क्या होंगे, जुड़े होंगे। क्या कहलाएगी? ठोस अवस्था कहलाएगी। ऐसी ही अवस्था क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है, जिसके अणु परमाणु आयन आपस में एक प्रबल आकर्षण बल या अंतरा आणविक आकर्षण बल के द्वारा, प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। क्या कहलाती है? ठोस अवस्था। ऐसी अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं हमने क्या बताया, मतलब ऐसी अवस्था जिसके अणु परमाणु आयन आपस में प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है।
तो इतनी बात आई समझ में, ठोस अवस्था कहलाती है। समझ पा रहे हो कुछ? एक बार फिर से देख लो, ठोस अवस्था अणु परमाणु आयन, मतलब ऐसी अवस्था जिसके अणु या जिसमें अणु परमाणु आयन आपस में प्रबल आकर्षण बल या प्रबल अंतरा आणविक बल के द्वारा जुड़े होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है। तो इतनी डिफिनेशन सबको पता चल गई होगी, लिख लिया सभी लोगों ने। अब देखो आता है हमारे पास में, अब हम बात करेंगे ठोस पदार्थ का वर्गीकरण। ये तो ठोस अवस्था हो गई, बात आती है ठोस पदार्थ का वर्गीकरण। वर्गीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? ठोस पदार्थ का वर्गीकरण। ठोस पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। इसका वर्गीकरण जो है वो अवयवी कणों के आधार पर किया गया है, अवयवी कणों के आधार पर, अवयवी कणों के आधार पर। इसे कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। अवयवी कणों के आधार पर दो भागों में इसे बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में। चलो यहां पे हम लिख लेते हैं। देखो इधर क्या बताया, ठोस पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है, या ठोस पदार्थों लिख लो यहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, मतलब अवयवी कणों के आधार पर जो ठोस पदार्थ या ठोस हमारे पास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन है? पहला हमारे पास में आता है क्रिस्टलीय ठोस। पहला कौन आता है? क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा हमारे पास में है अक्रिस्टलीय ठोस। आगे आ लगा दो, बाकी क्रिस्टलीय तो हो ही जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस क्या बन जाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस। पहला कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये तुम्हारे पास में हो जाएगा अनक्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड जिसे बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड तुम्हारे पास में, ठीक है। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस। अच्छा, क्रिस्टली दिया है मतलब इसमें तो क्रिस्टल ही होंगे तुम्हारे पास, सब समान क्रिस्टल होंगे। यूरिया देखा है तुमने, चीनी देखी है तुमने, मिश्री देखी है तुमने, आयरन देखा है तुमने, कॉपर देखा है, सिल्वर देखी है, जिंक सल्फाइड देखा है, ये सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस हैं। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। देखो कैसे, ये तुम्हारे पास एक इस टाइप से, मान लो हम फिगर बना लेते हैं, ये इस टाइप से बना ले, देखो इस टाइप से मान लो बनाया हमने, मान लो इसमें हम शक्कर भर दी, एक बोरी में शक्कर भरी होगी, दाने सब क्या होंगे? समान होंगे। दाने सब क्या होंगे? समान मात्रा में होंगे, मात्रा नहीं समान सब होंगे क्रिस्टल, एक दूसरे के जो दाने होंगे वो सब बराबर होंगे, बराबर होंगे नहीं होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे, ये सब देखो बराबर ही तो हैं, ये बराबर ही तो सब हैं, बराबर होंगे नहीं होंगे, सब बराबर तुमको नज़र आ रहे हैं, ये देखो सब बराबर हैं, ये देखो सब बराबर हैं नहीं हैं,
सब बराबर हैं? नहीं है, बराबर हैं। जैसे तुम लोग अपनी हमजोली में तुम्हारे जो फ्रेंड होते हैं, तुम्हारे बराबरी के जो होते हैं, उसमें हंसी मजाक सब कर लेते हो, और तुमसे कोई छोटा फंस जाए, बड़ा फंस जाए, बड़े के सामने क्या हंसी मजाक कर लोगे? तुम्हारे पापा ताऊ चाचा लोग बैठे हो, क्या मजाक कर लोगे? तुम्हारे भैया हाँ साथ में अगर जो बैठे हो, मान लो थोड़ा सा तुम्हारी बराबरी के हैं, चाचा के लड़के हैं, तो मजाक कर सकते हो, आपस में मजाक हो जाएगी। लेकिन अगर जो तुम्हारे चाचा बैठे हो, तो क्या मजाक कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। क्यों? क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं, वो तुम्हारे साइज के नहीं हैं, क्रिस्टली ठोस साइज नहीं मिल रहा है। मतलब बराबर होंगे तभी मैच हो पाएगा, बराबर नहीं तो आ क्रिस्टली पहुंच जाओगे, मैच नहीं हो पाएगा। तो क्रिस्टली ठोस मतलब सारी चीजें बराबर होनी चाहिए, गुड़ भी मैच करे, गलन उस्बा भी मैच करे। अगर जो पैक लड़ रहा है तो साथ में पैक भी लड़ना चाहिए, तुम्हारा भी उनका भी लड़ना चाहिए। गलन उस्मा जैसे समझना, समझ रहे हो तो वो भी बराबर समझ रहे हो, तुम भी बराबर समझ रहे हो। मजाक वो भी बराबर कर रहे हो, तुम भी बराबर मजाक कर रहे हो। तुम्हारे भी हंसी आती है, उनके भी हंसी आ रही हो, इस टाइप से। तो मतलब सारी चीजें बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब हम पढ़ने बैठे तो एक सो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं। दोनों लोग बराबर, अगर जो पढ़ना है तो दोनों लोग बराबर काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये चीजें होती है। आई बात को समझ में? आ क्रिस्टली ठोस, जैसे, चलो अच्छा इसके कुछ चीजें और बता देता हूं इसमें। जैसे क्रिस्टली ठोस, जैसे, अच्छा तुमको पहले बता दें, जैसे चीनी, चीनी हो गया, यूरिया तुम्हारे पास, जिंक सल्फाइड, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ये तुम्हारे पास, ये सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस हैं। क्या है ये? क्रिस्टलीय ठोस हैं। कॉपर तुम्हारे पास, ये सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस हैं, क्रिस्टली ठोस। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा होगा, छोटे छोटे दाने होते हैं, सब क्रिस्टली क्या है? क्रिस्टली ठोस हैं। पहला पॉइंट, अच्छा इसे देख लो, इसमें तुम्हारे पास ये जो क्रिस्टली ठोस होंगे, इनके गुण क्या होंगे? इनके गुण क्या होंगे? अच्छा डिफिनेशन इनकी क्या होती है? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। मतलब ऐसे कण, यहां पर डिफिनेशन लिख रहे हैं, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण, अब है बता रहा हूं अवयवी कणों के आधार पर, जिनके अवयवी कण देखो एक निश्चित क्रम में जुड़े, एक निश्चित ज्यामिति में जुड़े कि नहीं जुड़े? सारी ज्यामिति क्या है? सेम ही तो है, सेम है नहीं सेम ज्यामिति है? मतलब एक ही साइज के दाने मिलेंगे तुमको। चीनी उठा करके देख लो जाकर के, रखी होगी मम्मी घर में, यूरिया रखी होगी, देख लो जाकर के, क्रिस्टलीय जिनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में जुड़े होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती, मतलब इनकी संरचना जो होगी एक सेम ही होगी, अलग फलग नहीं होगी, ऊबड़ खाबड़ नहीं होंगे। अगर जो सेम साइज का दाना कटा है तो सेम साइज का ही दाना कटेगा। बिस्किट पार्ले जी का ले लो, क्रिस्टलीय ठोस है। ये नहीं कि एक पार्ले जी का बिस्कुट छोटा है, एक बड़ा उसी में निकल आया, एक बहुत ही छोटा निकल, नहीं, सेम साइज के सारे होते नहीं होते हैं। तो सेम साइज के होते हैं सब बिस्कुट, होते हैं। कोई भी चीज खाने पीने वाले लाओ, टेढ़े मेढ़े कुरमिले ले लो, सब चीज उसमें क्रिस्टली ठोस ही है, ठीक है? देखो अच्छा, पहला पॉइंट, इसके कुछ पॉइंट है तुम्हारे पास, तो पॉइंट लिख लेते हैं हम। पहला पॉइंट क्या होता है? इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है, इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है, निश्चित होती है। दूसरा पॉइंट तुम्हारे पास में, इसके कण या अवयवी कण भी लिख सकते, देखो दीर्घ परासी होते हैं, एक लंबी संरचना बनाएंगे,
क्या होते हैं? दीर्घ परासी होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। क्या बनाएंगे? दीर्घ परासी, लंबी संरचना एक बनाएंगे, दीर्घ परासी होते हैं। अगला अगला देखो, इनके गलनांक, इनके गलनांक निश्चित होते हैं, इनके गलनांक निश्चित होते हैं, मतलब ये गलेंगे तो निश्चित होंगे। अगला, क्वथनांक भी निश्चित होंगे, इनके क्वथनांक निश्चित होंगे। ऐसा नहीं कि एक दाना दूसरे टेम्परेचर पे गल गया और एक दाना दूसरे टेम्परेचर पे गला। मान लो एक दाने का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो दूसरे दाने का 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ऐसा नहीं। अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे दाना गला है तो दूसरा दाना भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे गलेगा। वो होती तुम्हारे पास गलन वाली चीज, मतलब गलनांक, क्वथनांक। ठीक है, आई बात समझ में कुछ? ये इतनी बात आई समझ में? आई बात समझ में? तो ये चीज है, हमने क्या बताया, अवयवी कणों के आधार पर दो प्रकार के, एक तो क्रिस्टली ठोस, एक अक्रिस्टली ठोस। क्रिस्टली ठोस मतलब ऐसे क्रिस्टली ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में जुड़े होते हैं, एक निश्चित क्रम में लिख लो चाहे ज्यामिति लिख लो, बात वही है, एक निश्चित ज्यामिति में जुड़े होते हैं, क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है, ये इनके गुण हैं। इसके कण दीर्घ परासी होते हैं, मतलब एक दीर्घ संरचना का निर्माण करेंगे। इनके गलनांक निश्चित होते हैं, इनके क्वथनांक भी निश्चित होते हैं, मतलब ये तो इनके गुण हैं। जैसे चीनी, चीनी को अगर गलाएंगे हम तो जितने पे एक दाना गलेगा उतने पे दूसरा ही दाना गलेगा। यूरिया, जिंक सल्फाइड, आयरन, कापर, सिल्वर, ये सब क्या है? ये क्रिस्टलीय ठोस है बच्चा, ये क्या है? ये क्रिस्टलीय ठोस है तुम्हारे पास में। तो इतनी बात आई समझ में। अब बात आती है अक्रिस्टलीय ठोस की, बात किसकी आती है? अक्रिस्टलीय ठोस की। देखो इधर, दो टाइप बताया, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस हमने बता दिया, अब अक्रिस्टलीय ठोस की बात आती है। है कुछ नहीं, बिल्कुल सेम है इसका, जस्ट उल्टा ये वाला है। देखो ऐसे फिगर बना देते हैं छोटा सा, मान लो ये कुछ लंबी व्यवस्था नहीं बनाएंगे, ये ऐसे बना देंगे, यहां तक बनाएंगे, फिर ऐसे ये सब बना देंगे, ऐसे कोई सिस्टमेटिक है ही नहीं। मतलब अक्रिस्टली कहीं पर बड़ा तो कहीं पर छोटा तो कहीं पर बहुत छोटा। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स की लंबाई, कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, तो कोई मीडियम साइज का है, इस टाइप से। तो वो सब क्या हुए? अक्रिस्टलीय ठोस तुम्हारे पास में हुए। इसकी डिफिनेशन, तुम्हारे पास ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में नहीं जुड़े होते हैं, सिर्फ तुमको नहीं लगा देना है, एक निश्चित ज्यामिति में नहीं जुड़े होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। आई बात समझ में? बात आती है गुण की। अब हमने डिफिनेशन क्या बताई, ऐसे क्रिस्टली, ऐसे अक्रिस्टलीय ठोस, या ऐसे क्रिस्टली या ऐसे अक्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में नहीं जुड़े होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस का। देखो एक निश्चित ज्यामिति बना रहे, नहीं यहां तक बनाए, फिर वहां छोटे हो गए, फिर बहुत बड़े हो जाएंगे, कोई कोई एक निश्चित ज्यामिति नहीं बनाएंगे। जैसे ईटा जुड़ी होती है, घर में तुम्हारे पास में रद्दा होता है तो उसमें ईटा सब सेम जुड़ी होती है, लेकिन जब कोई एक बड़ी ईटा जोड़ दो, एक छोटी ईटा जोड़ दो, तो क्या बन पाएगा? लेसते हुए नहीं बनेगा, तो वो अक्रिस्टलीय ठोस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। अब इसके गुण तो बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा लिखना है, इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है, तो इनकी गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है तुम्हारे पास। अब इनके कण दीर्घ परासी होते हैं, इनके कण लघु परासी होते हैं,
लघु परासी होते हैं। लघु परासी का मतलब बहुत छोटी संरचना बनाते हैं, लघु परासी होते हैं। इनके गलनांक निश्चित होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं या अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं तुम्हारे पास। जैसे, अच्छा जैसे फॉर दैट एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे पास में कांच हो गया, जैसे कांच रबड़ हो गया, जैसे कांच रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया तुम्हारे पास, तो ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है तुम्हारे पास में। क्या है सब, अक्रिस्टलीय ठोस तुम्हारे पास। तो ये तो बात हुई ठोस पदार्थों का वर्गीकरण की। कितने प्रकार के, एक बार फिर से देख लो, दो प्रकार के अवयवी कणों के आधार पर इन्हें दो प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। ठोस पदार्थों को अवयवी कणों के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। कितने, दो प्रकार के, कौन कौन से, एक क्रिस्टली ठोस, एक अक्रिस्टली ठोस, एक क्रिस्टली ठोस, एक अक्रिस्टली ठोस, एक क्रिस्टली ठोस, एक अक्रिस्टली ठोस, एक क्रिस्टली ठोस, एक अक्रिस्टली ठोस। कितने भागों में, दो भागों में, कौन कौन से, एक क्रिस्टली ठोस, एक अक्रिस्टली ठोस में बांटा गया। क्रिस्टली ठोस बता दिया, जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं या जिनके अवयवी कण निश्चित ज्यामिति से जुड़े होते हैं, ज्यामिति में जुड़े होते हैं, निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है, इनके गलनांक निश्चित होते हैं, इनके क्वथनांक निश्चित होते हैं, इनके कण दीर्घ परासी होते हैं, क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। जैसे चीनी, यूरिया, जिंक सल्फाइड, आयरन, सिल्वर आदि। अक्रिस्टली ठोस में इनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति नहीं बनाते हैं, नहीं जुड़े होते हैं, अक्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। इनकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, लघु परासी होते हैं, गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं होते, वो अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, तो ये अक्रिस्टली ठोस हो गए तुम्हारे पास। ये तो ठोस का वर्गीकरण था तुम्हारे पास। अब बात आती है क्रिस्टली ठोस की, इसके भी टाइप हैं तुम्हारे पास में क्रिस्टली ठोस के। अब ये वाला जो है मैं तुम लोगों को बताऊंगा कल। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ध्यान देते रहना, साथ में पढ़ते रहना। तो ये दो चीजें हमने तुमको बताई है क्रिस्टली और अक्रिस्टली के बारे में। अब तुमको कल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में क्रिस्टली ठोस का वर्गीकरण। ये कमेंट में बताइएगा कि सर समझ में आया या नहीं आया तुमको। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल आप लोगों को ये जितनी चीज़ हमने आज बताई है ये समझ में आई होगी, ये समझ में आप लोगों को आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दे दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।